तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मजे में होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज की जो बच्चों क्लास है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज आप लोगों के लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इन लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, जो एग्जाम के अंदर आप लोगों को पता होने चाहिए, हर एक चैप्टर में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो मेक श्योर जो भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो इस क्लास के अंदर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि क्लास को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोगों का मिस हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट चीज साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भाई लोग, और वो ये है कि भाई हमारा अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। इसका जो टेलीग्राम लिंक है, वैसे तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से क्लिक नहीं होगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको दिखाई देगा टेलीग्राम का। नीचे स्क्रॉल करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां मिलेगा टेलीग्राम ऐप। इंस्टॉल करके इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी क्लासेस की सारी अपडेट्स देते रहता हूँ। ठीक है, अब बच्चों मेन मुद्दे पे आते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किस चीज की? इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई? इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात कर रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का मतलब है कि हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चैप्टर के अंदर। ठीक है, जो आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। अगर आपको वो चीजें पता है, इसका मतलब अगर उस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आता है तो वो उन्हीं चीजों में से होने वाला है। तो वो मैं एक एक करके हर एक चैप्टर के लिए, पोम के लिए लिखवाने वाला हूँ, तो आप लोग उनको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, जब भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो मेक श्योर वो चीजें आप लोगों को पता जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके बारे में, चैप्टर के बारे में, जिसका नाम क्या है बच्चों? द लास्ट लेसन है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा? द लास्ट लेसन के बारे में बताऊंगा, जो आपका पहला चैप्टर है फ्लैमिंगो का। ठीक है, और वैसे तो आप लोगों को आंसर्स पता होंगे, लेकिन लेट से मैं आप लोगों को आंसर्स भी जो है वो डिस्कस कर लूंगा थोड़े से। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला अगर पॉइंट में लास्ट लेसन की बात करूं तो बच्चों वो ये था कि वाई वॉज फ्रेंड्स नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग स्कूल दैट डे। वाई वॉज फ्रेंड्स नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग स्कूल दैट डे, मतलब जो फ्रेंड्स था वो उस दिन स्कूल जाने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था। तो आपको पता होगा उसके क्या क्या रीजन थे। एक तो उसने पार्टिसिपल्स का चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया था, विच हिज टीचर एमएमएल हैड असाइंड हिम, एंड द सेकंड रीजन वाज ही वाज लेट फॉर स्कूल। हालांकि थर्ड रीजन भी हो सकता है कि जो बाहर का एनवायरमेंट है वो उसे टेम्पटिंग लग रहा था एज कम्पेयर टू द रूल ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, और दूसरा पॉइंटर है बच्चों ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, कि जो बर्लिन है वहां से क्या ऑर्डर आए थे। तो भाई बर्लिन से ऑर्डर क्या आए थे आप लोगों को बताइए? बर्लिन से ऑर्डर आए थे कि अब से जो जर्मन लैंग्वेज है वो फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट सेल्सिस और लॉरेन में पढ़ाई जाएगी, और जो फ्रेंच टीचर्स हैं उनको उस प्लेस को खाली करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं भाई। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है बच्चों अनयूजुअल थिंग्स के बारे में। अनयूजुअल थिंग्स मतलब कि वो कौन सी चीजें थी जो बहुत ही अजीबो गरीब थी। ठीक है, वैसे तो देखो बहुत सारी चीजें अजीब हैं, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा, लेकिन इनमें दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहली अनयूजुअल चीज जो उसने स्कूल में देखी थी वो एम हैमिल की थी। हालांकि उसने जो साइलेंस था उसको भी नोटिस किया था, लेकिन देखने वाली चीज की अगर हम बात करें तो उसने एम हैमिल के ड्रेस को नोटिस किया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्टर था वो विलेज एल्डर्स थे जो क्लास के लास्ट में बैठे थे। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना लिखा क्या है, कि द मोस्ट लिखा है कि सबसे ज्यादा सरप्राइज द मोस्ट किससे था वो, या सबसे पहली चीज कौन सी ऐसी थी जिससे वो सरप्राइज था। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है बच्चों एक क्वेश्चन, दैट इज हुम डिड एम हैमिल कॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन लर्निंग ऑफ फ्रेंच अमंग स्टूडेंट्स, मतलब किसको जिम्मेदार मानते हैं कि बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है। तो खुद को भी मानते हैं, उनके पेरेंट्स को भी मानते हैं। खुद को क्यों? क्योंकि कई बार वो फिशिंग के लिए जाते थे तो बच्चों की क्लास डिसमिस कर देते थे, बच्चों को गार्डनिंग के लिए भी भेजते थे। और पेरेंट्स को क्यों? क्योंकि जो बच्चों के पेरेंट्स थे दे यूज टू सेंड देम टू मिल्स एंड फार्म्स ना, टू वर्क एंड टू अर्न मोर मनी। तो ये एक रीजन है। ठीक है, और लास्ट अगर पॉइंटर की मैं बात करूं तो वो है बच्चों व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, कि एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बात बोली है। तो क्या बात बोली है भाई फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमिल ने? कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। ठीक है,
तो ये जो 5 पॉइंटर मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम द लास्ट लेसन चैप्टर की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। अब द लास्ट लेसन के बाद मैं बात करता हूं बच्चों द लॉस्ट स्प्रिंग की, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर दैट इज द लॉस्ट स्प्रिंग। अब आप सभी को ये बात पता होगी कि लॉस्ट स्प्रिंग हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले मैं पार्ट वन के बारे में बताता हूँ कि पार्ट वन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या है, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों है आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब आलम, कि जो साहिब आलम नाम का लड़का है इस चैप्टर के अंदर पार्ट वन के अंदर, उसके नाम में क्या आयरनी है। तो ये तो आपको पता ही है कि उसके नाम का मीनिंग क्या है, दैट इज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट ही इज एक्चुअली अ रैक पिकर, तो ये उसके नाम में आयरनी है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट के बारे में मैं बात करता हूं, दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो बच्चों दूसरा पॉइंट है कि हाउ इज गार्बेज, हाउ इज गार्बेज या रैक पिकिंग भी लिख सकते हो आप, डिफरेंट फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी, कि सीमापुरी के जो लोग हैं उनके लिए गार्बेज जो है उसके क्या अलग अलग मायने हैं, रैक पिकिंग के क्या अलग अलग मायने हैं। तो बच्चों के लिए क्या है, वो सर्वाइवल है, सोर्स ऑफ इनकम है, डेली ब्रेड है, लेकिन बच्चों के लिए वो वंडर है। हालांकि दोनों के लिए एक कॉमन चीज भी है, दैट इज गोल्ड, गोल्ड इट मीन समथिंग प्रेशर, तो गोल्ड इज अ मेटाफर फॉर रैक पिकिंग और गार्बेज भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है बच्चों, वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ सीमापुरी, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ सीमापुरी, कि सीमापुरी के बारे में आप बताओ, ठीक है। चौथा पॉइंटर है भाई हाउ हैज गार्बेज या रैक पिकिंग acquired the proportion of a fine art, भाई जो रैक पिकिंग है उसने एक कला का दर्जा कैसे ले लिया है सीमापुरी में, तो इसलिए ले लिया है क्योंकि जैसे एक आर्ट नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है उसके आर्टिस्ट के लिए, वैसे रैक पिकिंग भी रैक पिकर्स के लिए एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और पॉइंट देखते हैं बच्चों, एक और पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है ये वाले, इस वाले पार्ट का, ठीक है। That is, was साहिब happy on getting a job? क्या साहिब जो था वो खुश था जब उसे जॉब मिली थी, 800 रुपए महीने मिल रहे थे उसे, नहीं खुश था बच्चों वो, क्यों खुश नहीं था वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो केयर फ्री लाइफ थी वो उसको खो चुका था और उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एंड नाउ ही वॉज नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन चॉइस, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन है। अगला है भाई हमारा पार्ट टू, अरे भाई ये क्या कर दिया, क्या लिख दिया, सिंपली लिख देते हैं हम इसे, ठीक है। तो पार्ट टू के अंदर भाई सबसे पहला जो पॉइंटर है दैट इज व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मुकेश, कि जो लड़का था मुकेश उसका सपना क्या था, वो क्या बनना चाहता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, ठीक है। दूसरा, जैसे कि पार्ट वन में एक मैंने पॉइंटर बताया डिस्क्रिप्शन ऑफ सीमापुरी, तो यहां पे है डिस्क्रिप्शन ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश के सपने की बच्चों बात करें तो मुकेश का सपना क्या था, आपको पता ही है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और फिरोजाबाद का डिस्क्रिप्शन भी आपको पता है। अगला है हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन अ बैंगल फर्नेस, हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन अ बैंगल फर्नेस, कि एक बैंगल फर्नेस में काम करने के क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, कि भाई दे आर एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स, देयर आईज बिकम मोर एडजस्टेबल इन डार्कनेस एज कंपेयर टू लाइट आउटसाइड, है ना, इसीलिए उनकी आई साइट भी बहुत जल्दी लूज हो जाती है, पहले वीक हो जाती है फिर लूज हो जाती है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे एक मेन, व्हाई डोंट द पीपल मेक अ कोऑपरेटिव, कि वहां पे जो लोग हैं वो कोई संगठन क्यों नहीं बनाते हैं, ठीक है, कोई कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड, दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, दे आर अफ्रेड कि भाई उनको जेल में डाल दिया जाएगा पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पे हो गए बच्चों ये हमारे 2 चैप्टर के पॉइंटर्स, द लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। अब तीसरे चैप्टर पे आ जाते हैं, हमारा तीसरा चैप्टर कौन सा है, तो तीसरा चैप्टर है बच्चों हमारा डीप वाटर। तो डीप वाटर के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को देखते हैं, और हाँ मेक श्योर अगर कोई आंसर आप लोगों को नहीं पता तो वो देखो कि भाई उसका आंसर क्या है, है ना, और आप लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, आपको ये पॉइंट जो है ये पता ही होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। डीप वाटर में बच्चों सबसे पहला, अगर मैं सबसे पहले पॉइंटर की बात करता हूं तो सबसे पहला जो पॉइंटर है यहाँ पे डीप वाटर के अंदर, दैट इज मिस एडवेंचर्स विद डगलस, कि डगलस के साथ क्या क्या मिस एडवेंचर्स हुए हैं, तो आप लोगों को 2 मिस एडवेंचर के बारे में पता होना चाहिए, जिनमें से एक था कैलिफोर्निया बीच पे हुआ था जब वो सिर्फ 3 या 4 साल का था, और दूसरा YMCA पूल पे हुआ था जब वो 11
10 से 11 साल का था, ठीक है। तो अब दूसरा बच्चों क्या है कि हाउ वॉज YMCA पूल सेफ, YMCA पूल को सेफ बताया गया था। तो YMCA पूल को सेफ क्यों बताया गया था, क्योंकि वो शुरू में 3 फीट था शैलो पॉइंट पे, और डीप एंड पे वो 9 फीट था, और उसका ड्रॉप जो था वो ग्रेजुअल था, तो वो बिगनर्स के लिए भी काफी सेफ था। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों ड्रोनिंग एक्सपीरियंस का, इसका ड्रोनिंग एक्सपीरियंस का, ठीक है, उनका ड्रोनिंग एक्सपीरियंस बताना है। और लास्ट मतलब डगलस का डूबते हुए एक्सपीरियंस बताना है कि कितने टाइम उसने ट्राई किया था और क्या उसे महसूस हो रहा था, उसने जो भी बातें बताई हैं वो सब, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों लास्ट आता है यहाँ पे कि हाउ डिड ही, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर, कि उसने फाइनली अपने फियर को ओवरकम क्यों किया था, सॉरी कैसे किया था, ये है हमारा पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक और चीज बता दूं, अगर कोई भी मेरा प्यारा प्यारा स्टूडेंट ऐसा है जो ये कहता है कि सर आप बता तो रहे हो लेकिन हमें आंसर सही से नहीं पता, वी नीड अ बेटर एक्सप्लेनेशन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने हर एक चैप्टर को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रखा है, बस करने की जरूरत क्या है, एक प्लेलिस्ट को आपको चेक करने की जरूरत है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी 12th क्लास की, उसमें 20 डेज प्लेज की बच्चों आप लोगों को वीडियोज को देखना है। 20 डेज प्लेज जो है उसमें जो भी वीडियोज है वो सब अगर आप देख लोगे तो आप लोगों का नैया जो है वो पार हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो मेक श्योर आप 20 डेज प्लेज की जो वीडियोस हैं उनको एक बार जरूर देख लो, ठीक है। और इसके बाद बच्चों मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। भाई देखो आप लोगों को अनअकैडमी इमर्ज के बारे में तो पता ही है, बहुत सारे एजुकेटर्स ने बताया होगा, लेकिन मैं साथ में ये बात ऐड कर देता हूँ कि ये आपके लिए कितना जरूरी है। आप लोगों ने मेहनत बहुत कर ली है लेकिन आउटपुट आपको पता चलना चाहिए कि आप कितना पानी में हो और कितना पानी से बाहर हो। इसके लिए जो अनअकैडमी है वो अपना फाइनल मॉक टेस्ट लेके आ रहा है बच्चों, ठीक है, जो कि अनअकैडमी इमर्ज, और इसमें फायदे आप लोगों को बहुत सारे हैं, कोई नुकसान नहीं है, मिलेगा ही कुछ ना कुछ, है ना। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में टॉप करते हो तो आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी हमारे टॉप एजुकेटर से। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के top 3 स्टूडेंट्स में आते हो तो आपको 2 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक मिलेगी बच्चों आप लोगों को, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ कम्पीट करोगे और CBSE के क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सैटरडे को बच्चों साइंस, संडे मैथ्स क्लास 10th के लिए, क्लास 12th कॉमर्स, सैटरडे अकाउंट, संडे बिजनेस और मंडे इकोनॉमिक्स। और क्लास 12th साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सैटरडे मैथ्स, संडे बायोलॉजी, मंडे फिजिक्स और ट्यूसडे केमिस्ट्री का है। और कोड लगता है SUTH10, जिसको भूल ना जाना, जिसको जरूर लगाना, ठीक है। और बच्चों इसके अलावा भी एक और मैं बात यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, आप लोगों ने हमारे साथ टर्म 1 की प्रिपरेशन करी है, ठीक है, और आपको पता है कि हम लोगों का जो टीचिंग पैटर्न है वो कितना अच्छा रहता है और कितने अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन होती है। टर्म 1 की प्रिपरेशन में हमने कितने झंडे गाड़े तुम लोगों को सबको पता है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर टर्म 2, जिस बच्चे को भी टर्म 2 की तैयारी पूरी पूरी करनी है तो वो मेरे प्लस बैच में एनरोल करेगा। मेरा प्लस बैच जल्दी आ रहा है टर्म 2 के लिए बच्चों, ठीक है, तो अभी से आप सब्सक्रिप्शन ले लो ताकि आप मेरे बैच को बिल्कुल भी मिस ना करो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सभी कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें मिलेंगी। और बच्चों आप ज्यादा नहीं 3 मंथ्स का ही ले लो तो टर्म 2 की आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। 6,750 रुपीज में आपको 3 मंथ्स का पड़ेगा विद आफ्टर डिस्काउंट, वैसे 7,500 का है। बस आपको एक कोड लगाना होगा, दैट इज SUTH10, भूल ना जाना, कोड जरूर लगाना और कोड लगा के मुझको जरूर बताना, ठीक है बच्चों। तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, यहाँ कोड मैंने आपको बता दिया SUTH10। इसके अलावा भाई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आप जा सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है, आप लोगों को एक पर्सनल एजुकेटर मिलता है जो आपको पर्सनली गाइड करता है। पर्सनल एजुकेटर आपको पर्सनली गाइड करता है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करता है, आपकी वीकली रिपोर्ट तैयार होती है टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपका स्टडी प्लानर बनाया जाता है, आपके पेरेंट्स से वो टच में रहेगा, पर्सनल मेंटोरशिप ये मिल रही है आपको, तो ये बहुत ही तगड़ी चीज होती है। यहाँ पे 3 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है, इसको ध्यान रखो, यहाँ पे जो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो SUTH10 कोड लगाने के बाद लेना है, और ये 12,000 से बच्चों आपको कितने का पड़ेगा, 10,800 का पड़ेगा अगर आप इस कोड को लगा देंगे। और ये सारे सब्जेक्ट्स का सब्सक्रिप्शन होता है, इस बात को ध्यान रखना। और किसी बच्चे का प्लान बड़ा सब्सक्रिप्शन लेने का है तो बच्चों उसको बड़ा फायदा होगा, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है, तो 12 में 18 का मजा अगर लेना है तो अनअकैडमी पे बच्चों जरूर आना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। अब अगला चैप्टर भाई जो हमारा है वो है हमारा पोम, ठीक है, माई मदर एट 66। ये पोम जो है अगर इसकी बात करते हैं, देखो हम लोगों ने चैप्टर इतनी इतनी बार कर लिए हैं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस पता होंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो चैनल पे न्यू आता है कभी भी, तो उसका भी फायदा जरूर होना चाहिए, ठीक है।
तो माय मदर एट 66 के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस है मैं बता देता हूँ, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तो बच्चों प्लेलिस्ट देखनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि व्हाट इज द फैमिलियर एक ऑफ द पोएट, जो फैमिलियर एक है पेन है पोएट का वो क्या है। तो भाई वो उसका चाइल्डहुड फियर है कि एक समय के बाद उसकी मदर की डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज, ठीक है। दूसरा है बच्चों व्हाई डज द पोएट लुक आउटसाइड द कार, मतलब जो पोएट है वो कार के बाहर क्यों देखती है। तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी मदर को जब देखती है तो उसकी मदर की वजह से उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनकी डेथ को लेके, क्योंकि वो काफी बूढ़ी हो गई है ना, तो वो कार के बाहर अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए देखती है, ठीक है। तीसरा है बच्चों कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने ये, द एनवायरमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द कार, मतलब अंदर और बाहर का जो एनवायरमेंट है उसमें कंपैरिजन करना है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। अगला है बच्चों व्हाई डज, तो भाई कंपेयर कॉन्ट्रास्ट में तो आप लोगों को पता ही है ना क्या होता है, अंदर मोशनलेस एनवायरमेंट है, उसकी मदर मूव नहीं कर रही है बिल्कुल भी, ठीक है, उनका मुंह खुला हुआ है, बाहर जो है वो एकदम यू नो स्प्रिंटिंग ट्रीज बोला गया है, रन कर रहे हैं ट्रीज, वहां पर सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है। कार के अंदर नेगेटिविटी है, कार के बाहर पॉजिटिविटी है, बच्चे मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम, जबकि पोएट जो है वो दुखी है और बच्चे जो है वो खुश है, तो कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट है। अगला है व्हाई डज द पोएट कंपेयर द फेस ऑफ हर मदर विद लेट विंटर्स मून, मतलब जो पोएट है वो अपनी मम्मी के फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों करती है। भाई ये तो तुम्हें पता ही है, लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों करती है, वो इसलिए कंपेयर करती है क्योंकि क्योंकि उसकी मदर का फेस भी वैन हो गया है, पेल हो गया है, ठीक है। जैसे मिस जो है कोहरा जो है वो मून को छिपा लेता है, ऐसे ही ओल्ड एजिंग की वजह से उसकी मदर का फेस भी ऑब्स्कर्ड हो गया है ना। और लास्ट है व्हाट डू द पार्टिंग words and smile of the poet signify, मतलब जो poet है उसके जो parting words है, parting words क्या थे, बिछड़ते हुए see you soon amma, और उसकी जो smile थी, एक last में expression आता है smile smile and smile है ना, तो वो क्या signify करती है, तो उसकी smile तो उसके pain को cover up करने के लिए है, और उसके word क्या है, hope दिखाते हैं, आशा करती है कि वो काश अपनी मदर से वापस मिले, ठीक है। ये हो गए भाई आप लोगों के माय मदर एट 66 के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। अब आ जाते हैं भाई हमारी अगली पोम पे, दैट इज एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये है क्लासरूम एक साथ है इन अ स्लम, स्टीफन्स बेंडर ने लिखी है ये। अब इसमें बच्चों तीन मेन क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों का डिस्क्रिप्शन बताओ। तो बच्चों जो चारों बच्चे हैं, जो क्लास में चारों बच्चे हैं जिनमें लास्ट के जरिए पॉइंट होप दिखा रहा होता है, पहले तीन के जरिए वो डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा होता है, तो वो आपको डिस्क्राइब करना होगा। दूसरा है बच्चों डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासरूम, जिसमें डोनेशन से लेके सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, क्या क्या है, सॉर क्रीम वॉल्स मतलब धब्बेदार अनमेंटेन वॉल्स है, वो सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ दोज थिंग्स ऑन द चिल्ड्रन, कि बच्चों के ऊपर उन चीजों का क्या इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो भाई पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, क्योंकि वहां पे एक लाइन भी आती है विद ऑल शिप्स एंड सन, विद ऑल दोस थिंग्स शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, चोरी करने के लिए वो चीजें उनको प्रेरित करती हैं, क्योंकि वो चीजें उनकी पहुंच से बाहर है और अट्रैक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली वो चोरी करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। और लास्ट क्वेश्चन एक है व्हाट डज द पोएट वॉन्ट फॉर दिस चिल्ड्रन, कि जो पोएट है वो इन बच्चों के लिए क्या चाहता है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात। तो बच्चों ये चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज बताना चाहूंगा, कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है कि सर मुझे पोम जो है वो आप लाइन बाय लाइन करा दो, भाई लाइन बाय लाइन पोम मैंने ऑलरेडी करा रखी है, बस आपको एक काम करने की जरूरत है, और वो ये है कि आपको मुझे मेरे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो करना है, जो मेरा प्रोफाइल लिंक है, ठीक है, मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, उसे क्लिक कर लो। अगर किसी ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया होगा तो ऐप इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आप प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करना,
जब आप मेरी क्लास देखोगे वहां नीचे स्क्रॉल करके, तो आपको तीनों पोम्स की मिल जाएंगी लाइन बाय लाइन, ठीक है। इवन सारे चैप्टर की भी मिल जाएगी, अगर आपको किसी चैप्टर की भी देखनी है टर्म वन की। बस इस कोड को अप्लाई करना मत भूलना, SUTH10, ये अनलॉक कोड आपको यूज करना होगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा बच्चों एक और पोम है आपकी, आप लोगों को पता है, दैट इज व्हाट, दैट इज कीपिंग क्वाइट, ठीक है। और कीपिंग क्वाइट के पोएट का नाम क्या है भाई, दैट इज पाब्लो नेरुडा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल कीपिंग क्वाइट हेल्प अस टू अचीव, कि जो कीपिंग क्वाइट है वो हमें कैसे मदद करेगा, क्या अचीव करने में मदद करेगा, ये तो तुम्हें पता ही है भाई। कैसे हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, सेल्फ एनालिसिस। रेट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अपने पास्ट मिस्टेक से सीख सकते हैं अगर हम थोड़े समय के लिए शांत होंगे, ठीक है, और इससे वॉर्स खत्म हो जाएंगे। मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन करी है, बहुत बड़ा इसका आंसर होगा जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है क्या कीपिंग क्वाइट से अचीव होता है अपने वीडियो में। दूसरा है यहाँ पे व्हाट कैन नेचर टीच अस, कि नेचर हमें क्या टीच करता है बच्चों, नेचर हमें क्या टीच करता है, तो नेचर हमें टीच करता है कि एक समय के लिए सारी चीजें शांत हो जाती हैं। जैसे वो लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स ऑटम सीजन में चले जाते हैं, बट स्प्रिंग में वो वापस रिसरेक्ट हो जाते हैं, दे कम बैक टू देयर लाइफ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे नेचर हमें क्या टीच करता है कि एक समय के लिए नेचर की भी कई सारी चीजें शांत हो जाती है, डजंट मीन दैट कि वो मर गई है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि डज द पोएट एडवोकेट, मतलब फेवर टोटल इनएक्टिविटी, क्या वो टोटल एक्टिविटी को फेवर कर रहा है, नहीं कर रहा भाई, वो कह रहा है कि थोड़े समय के लिए हमें शांत होना है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड 12 वर्ड का सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है। तो बच्चों 12 एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है यहाँ पे, क्योंकि 12 से काफी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारे जो जोडियक साइंस होते हैं, ठीक है, राशिफल के जो साइंस होते हैं अलग अलग, वो 12 होते हैं। ऐसे ही 12 मंथ होते हैं और एक दिन में 12 आवर्स होते हैं डे में, ठीक है। तो 12 एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस रखता है क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग, दैट इज द रीजन उसने बोला है कि 12 शायद हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है। तो इस सेंस में यहाँ पे हमें 12 का सिग्निफिकेंस दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्लैमिंगो बच्चों कंप्लीट होता है, ठीक है। फ्लैमिंगो के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बता दिए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एंड आई वुड लाइक टू नो कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अनअकैडमी का फ्री जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो ले लिया है 15 दिन का। बच्चों ये स्कीम है कि अगर आप 10 डाउट पूछते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप 10 डाउट पूछते हो तो आपको 15 डेज का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है भाई। 28 नवंबर तक अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे रजिस्टर करते हो और आप 10 डाउट पूछते हो तो आपको 15 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। किसी ने ऐप इंस्टॉल नहीं करा है तो वो ऐप इंस्टॉल कर लो, और जब भी आप कोई क्लास अनलॉक करते हो वहां पे फ्री वाली, तो आप इस कोड को यूज करना SUTH10, ठीक है। फुल जा सिम सिम बोलने की जगह आप SUTH10 कोड को यूज करना तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। और ऐप पे आस्क का डाउट पे क्लिक करना होता है आपको, क्वेश्चन भेजना होता है आपको, और फिर क्रॉप करके सिलेक्ट करके जब आप सब्जेक्ट कैटेगरी डाल के क्वेश्चन भेज दोगे, ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू। और 10 डाउट पूछने पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, जल्दी बता दो चैट स्क्रीन पे, क्यों ना घबराओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखो, देखो अनअकैडमी आप लोगों के लिए वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है जो आप कहीं ना कहीं डिजर्व करते हो, है ना। और ये हम लोगों की पूरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी बच्चे रहते हैं ना, जो सच में मेहनत करते हैं, उन लोगों को उनका वेल डिजर्विंग रिजल्ट मिलना चाहिए। इसीलिए अनअकैडमी कुछ ना कुछ लेके आते रहता है, चाहे वो कॉम्बैट के फॉर्म में हो, चाहे वो इमर्ज के फॉर्म में हो, चाहे वो यहाँ पे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट जो होते हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है आपकी फी के अंदर, कि वेल डिजर्विंग स्टूडेंट जो है, जो मेहनती स्टूडेंट है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, उन लोगों को वो मिल सके जो वो सच में डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में। तो जितने भी आप लोगों को ऑफर्स मिलते हैं, जितनी भी चीजें मिलती हैं, उनको कंसिडर जरूर करा करो, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं अपनी बुक की, जिसका नाम क्या है, विस्टास, ठीक है। अब विस्टास के अंदर अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो दैट इज बेसिकली द थर्ड लेवल बच्चों। चैप्टर हमारा कौन सा है, द थर्ड लेवल। अब भाई थर्ड लेवल के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो हम लोगों को पता होना चाहिए वो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, दैट इज वॉज द थर्ड लेवल अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, कि क्या थर्ड लेवल जो है
वो चार्ली के लिए एक मीडियम ऑफ एस्केप है। मीडियम ऑफ एस्केप का मतलब आप लोग समझते होंगे बच्चों क्या होता है, दैट इज रियली वेरी इजी। मीडियम ऑफ एस्केप मतलब कि क्या वो इससे एस्केप करने की कोशिश कर रहा था थर्ड लेवल के जरिए अपने स्ट्रेस से, अपने एंजाइटी से। तो आपको पता है ओवरऑल चैप्टर में हमने यही लास्ट में कंक्लूड किया है कि थर्ड लेवल एक इमेजिनरी प्लेस है जहां पे चार्ली अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को एस्केप करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ही इज फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों डिस्क्राइब द थर्ड लेवल, हालांकि वो इमेजिनेशन है लेकिन उसके बावजूद चार्ली ने हमें थर्ड लेवल के बारे में जो भी बताया है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि थर्ड लेवल कैसी प्लेस थी। तो भाई वहां फ्यूअर टिकट विंडोज थी और जो टिकट काउंटर था वो वुडन था, ठीक है। इसके अलावा वहां पे जो ट्रेन के गेट थे वो भी कम थे। इसके अलावा वहां पे ओल्ड फैशन क्लोथ पहने हुए थे लोगों ने, वहां की जो मुस्टेजेस थी जो लोगों की थी, मैन की थी, ठीक है, वो कैसी थी, और भी सारी की सारी चीजें आप, और हाँ वहां ब्रास पिटून्स थे। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अगला है बच्चों डिस्क्राइब गेल्सबर्ग, इसका मतलब कि जो गेल्सबर्ग नाम की प्लेस है जहां पे चार्ली विजिट करना चाहता था, ठीक है, इन 1894 के अंदर, ठीक है, उस प्लेस को आपको डिस्क्राइब करना है। तो गेल्सबर्ग कैसी प्लेस थी जहां पे ओल्ड बिग फ्रेम हाउसेस थे, है ना, और इसके अलावा ह्यूज लॉन्स होते थे लोगों के, जो वुमेन है वो पाम लीफ फैन से हवा किया करती थी, जो मैन थे वो सिगार स्मोक किया करते थे, जो स्ट्रीट्स होती थी वो बड़े बड़े इनॉर्मस ट्रीज से उनके ब्रांचेस से कवर्ड हुआ करती थी, ठीक है, छाया आती थी वहां पे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और वो जो है यू नो प्लेस जो है गेल्सबर्ग वो पीस को रिजेंबल करता है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर, ठीक है, मतलब फर्स्ट डे कवर क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर, कि फर्स्ट डे कवर किसको कहा गया है। तो भाई फर्स्ट डे कवर किसको कहा जाता है आप लोगों को बताइए, एक एनवेलप जिसके अंदर कोई भी न्यू पोस्ट स्टैम्प जो है उसको इशू करने के बाद एफिक्स किया गया है और उसको पोस्ट किया गया है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया? अगर आप लोगों को बच्चों मेरी एक एक बात क्लियर हो रही है ना, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे सुमित भैया जो है वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो यार एक लाइक बनता है। जिस बच्चे ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और एट द एंड ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से जो भी मुझे मानते हैं, स्पेशली उनसे तो है ही, है ना, कि वीडियो को शेयर जरूर करा करो, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर के बच्चों कुछ क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, जो आपका विस्टार्स का लास्ट चैप्टर है और उसका नाम क्या है भाई, दी एनिमी है। क्या नाम है? दी एनिमी है। तो एनिमी के अंदर भाई हमारे क्वेश्चंस कौन से हैं बच्चों, अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, दैट इज हु वाज डॉक्टर सदाओ होकी। ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, हु वाज डॉक्टर सदाओ होकी। तो डॉक्टर सदाओ होकी कौन था, डॉक्टर सदाओ होकी कौन था भाई, एक सर्जन था, एक जापानीज सर्जन और डॉक्टर था, इवन वो एक साइंटिस्ट भी बोला गया है उसको कहीं कहीं पे, है ना, क्योंकि वो एक मेडिसिन जो थी जो वाउंड को बहुत जल्दी हील करती है उसको और इम्प्रोवाइजेशन कर रहा था, उस पर और ज्यादा रिसर्च कर रहा था, हालांकि वो डिस्कवर हो चुकी है बट वो उस पर रिसर्च कर रहा था, ठीक है। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज डॉक्टर सदाओस फादर, डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे वो कैसे इंसान थे। तो यहाँ पे उनके बारे में दो बातें बोली गई थी कि वो ट्रेडिशनल थे, कन्वेंशनल थे, और यहाँ पे कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल जो बात है यहाँ पॉइंट प्रूव करने के लिए कि जब डॉक्टर सदाओ अमेरिका गया था एट द एज ऑफ 22 एंड देयर ही फेल इन लव विद अ गर्ल, हर नेम वाज हाना, सो ही यू नो डिडंट अलाउ हिमसेल्फ टू फॉल इन लव विद हाना एट द फर्स्ट साइट, व्हाई, बिकॉज़ ही वांटेड टू कंफर्म वेदर शी वाज जापानीज और नॉट, है ना, क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर कभी भी एक अमेरिकन से उसकी शादी नहीं कराएंगे। और फिर उन्होंने वहां पे वैसे शादी नहीं करी थी कि वहां बस प्यार हुआ और शादी कर ली, यहाँ पे आके जापान में यू नो ट्रेडिशनली शादी करी थी। और डॉक्टर सदाओ के फादर के कमरे के अंदर कोई भी चीज जो थी वो जापानीज के अलावा कोई फॉरेन सामान नहीं था। तो ये सारी चीजें ही दिखाती हैं कि वो कन्वेंशनल भी थे, ट्रेडिशनल भी थे और एक ट्रू पेट्रियट भी थे। वो डॉक्टर सदाओ को 22 साल की उम्र में पढ़ने के लिए अमेरिका इसीलिए भेजते थे ताकि वो सर्जरी मेडिसिन की पढ़ाई करके अपनी कंट्री जापान को सर्व करे, जो कि ये दिखाता है कि वो कैसे एक ट्रू पेट्रियट थे, ठीक है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन बच्चों, What confliction did Dr. Sadao face? कि Dr. Sadao जो है बच्चों वो क्या confliction face करते हैं? तो सीधी सी बात है, Dr. Sadao बच्चों confliction ये face करते हैं कि वो उस American के साथ क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए American के साथ, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। The American was an enemy.
हाउएवर ही वॉज अ डॉक्टर, ही थॉट कि वो मेरा पेशेंट भी है तो मुझे उसे बचाना चाहिए, और वो ये भी सोच रहे थे कि अगर मैं बचाऊंगा तो मुझे कहीं पुलिस अरेस्ट ना कर ले, तो ये चीजें उनके माइंड में चल रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको बचा लिया, है ना। अब मेरा भी एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में इसको आंसर कर सकते हो कि डू यू फाइंड डॉक्टर सदाओ गिल्टी ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, क्या आप डॉक्टर सदाओ को गिल्टी ऑफ हार्बरिंग मानते हो, एक एनिमी को उन्होंने पनाह दी जो कि उन्होंने गलत किया, क्या आप ये बात मानते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हाउ डिड द सर्वेंट्स रिएक्ट, ठीक है, उन्होंने सर्वेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया था, हाउ डिड, यहाँ पे सदा आएगा भाई, एक मिनट मैं रब कर लूँ चीजें, हाउ डिड द सर्वेंट्स रिएक्ट, मतलब उनके जो सर्वेंट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं इस बात पे, पहले तो वो डर जाते हैं, बाद में वो क्रिटिसाइज करते हैं ओपनली अपने मास्टर को, अपने मालिक को, और उनमें ओल्ड गार्डनर जो होता है वो तो उनके फादर के टाइम से था, ठीक है, ही वाज अ स्पेशलिस्ट इन यू नो फ्यू फ्लावर्स कैटेगरीज, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे जो गार्डनर था वो तो सुपरस्टिशियस भी था कि इसको पहले गोली लगी है अमेरिकन को, फिर ये वेव से बच गया, फिर जो चट्टाने थी नोकीली नोकीली रॉक्स जो नैरो बीच पे थे जहाँ वो रहते थे, जिनका उनका लो स्क्वायर स्टोन हाउस वहां पे था, उससे उसका घाव काफी बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी वो बच गया, तो ये सारी चीजें डॉक्टर सदाओ से बदला लेंगी, तो वो सुपरस्टिशियस भी होता है यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए, और बाद में वो छोड़ के भी चले गए थे, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आता है बच्चों, हु वॉज द ओल्ड जनरल, कि ओल्ड जनरल कौन था, ठीक है भाई, ओल्ड जनरल यहाँ पे कौन था, एंड डिड ही हेल्प डॉक्टर सदाओ, क्या उसने डॉक्टर सदाओ की हेल्प की थी, तो भाई नहीं करी थी डॉक्टर सदाओ की हेल्प, हम लोगों को पता ही है पहले से कि डॉक्टर सदाओ की हेल्प उसने कहाँ करी थी, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं असैसिन्स को भेजूंगा, लेकिन उसने भेजा ही नहीं था, और जो ओल्ड जनरल था कौन, एक पावरफुल जनरल था, हालांकि वो बहुत पेन में था, बीमार था और काफी बूढ़ा भी हो गया था, हालांकि उसने जो जापानीज आर्मी है उसको बहुत जगह पे लीड कराया है, जापान को काफी जगहों पे जीत भी दिलाई है, लेकिन वो बहुत ही क्रूअल इंसान था, लेकिन हालांकि वो उस वक्त सेल्फ सेंटर्ड था, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इवन डॉक्टर तदाओ को जापनीज ट्रूप्स पे भी नहीं भेजा गया होगा, भेजा था, आपको याद होगा कि जब वॉर चल रहा था अमेरिका जापान का, तो जापनीज ट्रूप्स पे डॉक्टर तदाओ को जाना था, लेकिन उसको नहीं भेजा गया था, बिकॉज ही वॉज टू टेक केयर ऑफ द जनरल, द ओल्ड जनरल, ठीक है। और इवन जो डॉक्टर तदाओ है खाली उसी पे उसको ट्रस्ट होता है, उसके अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, काफी सेल्फिश होता है। और लास्ट है, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ मेक एन एस्केप ऑफ टॉम, कि डॉक्टर सदाओ जो है वो टॉम को कैसे भगाते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि डॉक्टर सदाओ जो है वो क्या नाम है, टॉम मतलब जो अमेरिकन था उसको व्हाइट मैन भी बोला गया है, प्रिजनर ऑफ वॉर भी बोला गया, उसका एक्चुअल नेम टॉम था, उसको कैसे भगाते हैं, तो एक जब उन्हें पता चल जाता है कि भाई जनरल ने असासिन्स को नहीं भेजा है और मैं फंस सकता हूँ और मेरी फैमिली परेशान हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, तो वो हाना, हालांकि हाना को भी उन्होंने असासिन्स के बारे में बताया नहीं था, लेकिन असासिन जब 3 दिन तक नहीं आते तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक बोट का इंतजाम करेंगे, और बोट से वो क्या करेंगे, नियर बाय आईलैंड जो उनके कोस्ट के पास है वहां उसको भेज देंगे, और वहां से एक कोरियन फिशिंग बोट पास होती है जिसमें बैठ के वो चला जाएगा, हालांकि वो उसे एहतियात बरतने के लिए भी कहते हैं कि वहां जाके तुम फिश अगर खाओगे तो आग मत लगा, आग मत जलाना, कहीं स्मोक से तुम पकड़े, स्मोक उठने से तुम पकड़े ना जाओ, कोई किसी को यू नो अंदाजा ना हो जाए वहां कोई है और तुम्हें कैप्चर कर लिया जाए, और हाँ वो से अपनी टॉर्च लाइट भी देते हैं, टॉर्च भी देते हैं, कहते हैं 2 बार सिग्नल करना एट द टाइम ऑफ हराइजन, जब सूर्योदय या सूर्य अस्त होता है, जब पूरी तरीके से ना रोशनी होती है ना उजाला, कि 2 बार सिग्नल करना अगर फूड चाहिए हो, 1 बार सिग्नल करना प्रेजेंस के लिए, और जब लास्ट में 1 बार भी सिग्नल नहीं आया उनको, तो उनको समझ में आ जाता है कि वो वहां से जा चुका है सेफ सेफली, और लास्ट में डॉक्टर सदाओ सारे अमेरिकन का चेहरा भी याद करते हैं, उन अमेरिकन का जो कभी उनके साथ रहे हैं अमेरिका के अंदर, और कब भेजा गया था उन्हें अमेरिका, एट द एज ऑफ 22 आए कब थे वो, 30 ईयर्स की एज पे। तो बच्चों आई होप आप लोगों को सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे, इस चैप्टर की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों, है ना। और प्लीज यार मुझे कमेंट सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम लोगों के पर्सनली कमेंट पढ़ता हूँ, और मेरे को ये बताओ तुम लोग क्या कहना चाहते हो मेरे बारे में, मैंने तुम लोगों की इंग्लिश की प्रिपरेशन कराई है क्या, सही कराई है नहीं कराई है, कोई कमी रह गई, क्या दिक्कत हुई क्या नहीं हुई, तो कमेंट सेक्शन में अपना जो प्यार है वो शेयर करना है, अगर कोई गलती हुई है तो वो भी बताना है, ताकि मैं टर्म 2 की जब प्रिपरेशन आप लोगों को कराऊं तो वहां पे आप लोगों की इंप्रूवमेंट जो है और अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है। और बच्चों लास्ट में यही कहूंगा, जो टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेक श्योर भाई टर्म 2 के लिए आप अपने आप को सब्सक्राइब कर दो, कोड यूज करना है SUTH10, भूलना जाना कोड जरूर लगाना, सुमित भैया का कोड है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और बच्चों रही बात स्पेशल क्लासेस की, तो अभी तो मैंने ऑर्गेनाइज नहीं कर रखी, लेकिन हो सकता है कि मैं 1 या 2 तारीख को एक स्पेशल क्लास भी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले, तो मेक श्योर आप स्पेशल क्लास जो है
उसके लिए आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लो, जो नीचे प्रोफाइल लिंक अवेलेबल है उसको फॉलो कर लो, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग आपको इंस्टॉल कर लेना, और मेरी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए ये कोड नोट कर लो, कोई भी क्लास अनलॉक करोगे ना अनअकैडमी पे तो इस कोड से हो जाएगी, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। बच्चों बग्स बाउंड्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप लोग, जहां पे कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर आप लोगों को दिखता है अनअकैडमी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो, जिससे आप लोगों को फायदा होता है, आपको कुछ कॉइन्स अचीव होते हैं जिससे आप अपनी फी में भी डिस्काउंट करा सकते हो और भी कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो बग्स बाउंड्री में पार्टिसिपेट जरूर करना है, ठीक है। फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बच्चों अगर 11th क्लास का आपका कोई फ्रेंड है, भाई बहन है, तो आप उसको 11th क्लास के बैचेस के बारे में बता सकते हो, टर्म 2 के साइंस कॉमर्स आर्ट्स के स्टार्ट हो रहे हैं 1 दिसंबर से। और अगर कोई मेरा प्यारा प्यारा स्टूडेंट है जो फंसा हुआ है किसी वजह से और उसको किसी चीज में डाउट है, तो भाई 15 नवंबर से हमारा एक फास्ट ट्रैक कोर्स स्टार्ट हुआ था टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए कॉमर्स साइंस आर्ट्स के लिए। अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो और समझ सकते हो क्या करना था, क्या नहीं करना था, कैसे था, क्या था, ठीक है। तो इसके लिए एनरोल कर सकते हो भाई, लेकिन SUTH10 कोड को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और मेरी स्पेशल क्लासेस में बच्चों अपने आप को एनरोल करते हो तो क्वेश्चन टैब पे क्वेश्चन पूछने का आप लोगों को मौका मिलता है, लाइव पॉल्स होते हैं, रियल टाइम इंटरेक्शन होती है, टाइम गैप नहीं होता, तो बहुत फायदेमंद है स्पेशल क्लासेस यार। फ्री है तो एनरोल कर ही लिया करो, अपने आपको ऐप इंस्टॉल कर ही लिया करो, नीचे प्रोफाइल लिंक अवेलेबल है, कुछ जाएगा थोड़ी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और भाई नोट्स डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक करना है, ठीक है। और बच्चों थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। और भाई अगर कोर्स लेने वाले हो तो मेरा कोड यूज जरूर करना है, SUTH10, भूल ना जाना, कोड जरूर लगाना, ठीक है। लेट्स क्रैक इट बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।